करेंगे मन कहेगा जो, करेंगे मन कहेगा जो। क्या हम पहुंच गए? मैंगो के हिसाब से हम नजदीक हैं। वाह, यही तो है एलिस बीच। कितना सुंदर है ये। ओए, इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ पर भी लॉकडाउन हो गया क्या? लोग कहाँ गए? यहाँ तो बंदर भी नहीं है। बेन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बंदर नहीं होते मैंगो की तरह। यहाँ बंदर सिर्फ घूमने आते हैं तुम्हारी तरह, टूरिस्ट। यहाँ पर कोई घूमने क्यों नहीं आता? ये तो इतना सुंदर बीच है। एनी एंड बेन के सारे एपिसोड यहीं पे शूट करेंगे। अरे बाप रे, ये आवाज तो खतरनाक लग रही है। ओए नहीं नहीं, अब यहाँ पे शूट नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा याद है किसी को? अयो सर्विंगा! अरे संभल गए। अयो मलेर को छोड़ेंगे नहीं जी। कैंगरू? सर्फिंग कैंगरू। माय लॉर्ड, मैंगो जानना चाहता है अगर उसने लहर पकड़ भी ली तो उसे रखेगी कहाँ पर? वो अयोम आसमान की बुलंदियों पर है जी। गूफी फुट। ये क्या बोल रही है? सर्फिंग में गूफी फुट का मतलब है सीधे पैर का इस्तेमाल करना। वाओ, इसे सर्फिंग कितने अच्छे से आती है। अयोम सर्फिंग का बाहुबली जी। बहुत जी, अब हम जमीन पर जाती सत्यार जी। थैंक यू अम कमाल का जी। लोग किधर जी? ब्रावो, वंडरफुल। तुम छा गई बाहुबली। अयो जी, अम सैम समंतरु। तुम कौन जी? मैं हूँ एनी और ये मेरे दोस्त बेन और मैंगो। कमाल सर्फिंग करती हो तुम। थैंक यू जी, पर आज बीच काले क्यों? आज शायद सिर्फ हम ही हैं यहाँ पर। देखो झंडे पर क्यूट शार्क बनी हुई है। अयो अब समझ जी, पानी में शार्क के सर्फिंग मना। देखो वो रहा है जी, अभी उसको भूख लगी, कान मांगता उसको। हम भी भूखा, तुमको मांगता। सुना नहीं, नेकी और पूछ पूछ। ओ बेन, बोरिंग जोक। ये तुम कॉमेडी जी, हमको भी सिखाओ। नेकी और पूछ पूछ। चलो, दुनिया में कोई तो है जो मेरी बात पे हंसता है। अयो, हमारी मम्मी कहती कान और गाना मिलकर अच्छा होता है। अयो, दुनिया के सारे बीच पे सर्फ करना हमारा सपना। तो फिर शुरू करो। ये दुनिया बहुत बड़ी जी, हमको पंख नहीं और बोट पे हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं? तुमको तो पता हम कैंगरू होती और हमारे पास पैसा नहीं है जी। अरे ये क्या चीज है? ये है हमारा डिजरीडू। सुनो जी, थैंक यू वेरी मच जी। ओए क्या बात, नाचने लगी शार्क हमारे साथ। अरे नहीं, शार्क। हमको नहीं लगता ये शार्क यहाँ से जाएगी। बिचारी को भूख लगी होगी, उसे हम कुछ खिलाएं तो हो सकता है वो चली जाए। अयो, ये टूना मछली चलेगी क्या? अरे वो क्या, इसे तो मैं भी खा लूंगा। ये बहुत बड़ी है, पर इसे शार्क को खिलाएंगे कैसे हम? मैंगो, तुम सैम का नुकसान कराओगे क्या? शार्क सर्फ बोर्ड को चबा लेगी। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो मछली को बहुत ज्यादा दूर फेंक दे, जितना हो सके उतना दूर बीच से। इससे काम बनेगा? अरे सैम, ये बताओ, ये तुम्हारी जेब है या जादू का पिटारा? मैं जेब में रख के घूमती, घर का सामान सारा। थोड़ा लेफ्ट में बेन, और थोड़ा लेफ्ट। तोप तैयार। तोप चला दो। ब्रिलियंट।
बहुत ही जबरदस्त काम, ये तो पापा भी नहीं कर पाते शायद। मुझे लगता है कि शायद हम बुद्धू बन गए, वो शार्क नहीं थी। क्या? तो उसका फिन क्यों जी? देखो, शार्क और डॉल्फिन दोनों के ही फिन होते हैं, पर दोनों की पूंछ अलग दिखती है। शार्क की पूंछ ऐसी और डॉल्फिन की पूंछ ऐसी दिखती है। जिसने भी ये फ्लैग लगाया होगा उससे भी यही चूक हुई होगी। इसने हमसे क्या कहा बेन? बताता हूँ, इसका नाम है डैन। ये सैम का जबरा फैन। ये बड़ी दूर से आया है सैम को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। क्या बोले तुम, हमारा फैन? डैन पूरी दुनिया घूमता है सर्फर्स को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। ये तो सैम का भी सपना है, दुनिया भर में सर्फ करने का। डैन ये कह रहा है कि वो हवाई जा रहा है, अगर तुम चाहो तो ये तुम्हें वहाँ तक लिफ्ट दे सकता है। नेक और पूछ पूछ, आइए चलो जी। तुमसे मिलके हमको अच्छा लगा जी, तुमको अपना डिजिरेडू देता गिफ्ट के तौर पे। बाय सैम, बाय डैन, हवाई में मजे करना। वाकई आज मजा आ गया। तुम्हारा मतलब रब ने बना दी मस्त जोड़ी? ओह बेन, बकवास जोक। एनी, सैम को मेरे जोक बहुत ज्यादा पसंद थे। रब की बनाई जोड़ी डैन ने आकर तोड़ी और बना ली अपनी जोड़ी। तुमसे अच्छे जोक तो मैंगो के होते हैं। हाँ? हाँ?